Good morning children, how are you? Yes, today I teach English. A birthday gift, lesson number 4. ये lesson मैंने आपको last term में पढ़ाया था, उसके बाद मैंने इसकी words meaning भी करवा दी थी आपको. A birthday gift में क्या story है ये आपको पता होगी, क्योंकि मैंने आपको बताई थी, लेकिन फिर भी फिर से मैं एक ब्रीफ में आपको इसकी स्टोरी के बारे में एक बार बता देती हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर करें, ट्रू फॉल्स करें या पिक द करेक्ट आंसर करें तो आपको उसमें हेल्प मिले. साहिल और वसीक दो बच्चे हैं जिनकी इसमें एक स्टोरी है. साहिल जो है वो स्कूल से लौट रहा है, तो वहां पे वो क्या देखता है, साहिल एक गरीब बच्चा है, उसके मन में रहती है कि मैं एक साइकिल खरीदूं, लेकिन उसके पापा के पास पैसे नहीं है तो वो साइकिल नहीं खरीद पाता है. साइकिल नहीं खरीद पाता है तो वो अपनी कोई ये प्रॉब्लम अपने पापा को नहीं कहती है, वो कहता है, लेकिन मन में दुखी रहता है. एक दिन वो स्कूल से लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बच्चा बड़ा लड़का साइकिल से चला रहा है, और साइकिल कैसी थी उसकी, छोटी थी. तो वो साइकिल जब छोटी उसने देखी और लड़का बड़ा चला रहा है तो उसको हंसी आ गई उस बात पे, और वो उसको देख के हंसने लग गया, मतलब मजाकिया तौर पे. तो उसी समय क्या हुआ कि बहुत तेज शोर हुआ और वो बच्चा एकदम से गिर गया जमीन में. तो जब वो गिरा तो साहिल ने उसको देखा तो उसने उसको उठाया, तो हर्टेड वो मतलब उसकी चोट भी लग गई थी उस बच्चे को. तो उस बच्चे ने कहा कि तुम मुझे अपने घर मेरे घर पहुंचा दोगे, मेरा घर यहीं रोड से नीचे थोड़ा पासी में है. तो साहिल ने उसको पहुंचा दिया, इस तरह से उसकी दोस्ती हो गई. वसीक ने पूछा कि तुम्हारे पास साइकिल है, तो उसने कहा नहीं मेरे पास, मैं साइकिल चाहता तो हूँ. वसीक आस्क्ड साहिल, डू यू हैव ए बाइसाइकिल, वसीक ने पूछा. तो साहिल ने कहा नहीं, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो वो साइकिल खरीद सके. तो किसने कहा, माई फादर सेड यू कैन, इस तरह से मुझे उस वसीक ने कहा मुझे एक बड़ी साइकिल खरीदनी है, इसलिए ये मैं छोटी साइकिल बेचूंगा. तो वसीक ने उसको क्या कहा, और बस मेरी बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तुम उसमें आना अगले सप्ताह में. इस तरह से वो दूसरे दिन तो उससे मिलने जाता है, उसके हाल चाल पूछता है, मतलब इस तरह से फिर उनकी आपस में ये बातें होती है. फिर उसको वो साइकिल, वो कहता है नेक्स्ट वीक में मेरी बर्थडे है तो आना. तब ये साहिल उसकी बर्थडे में जाता है, साहिल बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसको बुलाया था. इस तरह से ये कहानी है. अब मैं आपको आज इसमें नंबर 1 है, नीचे देखिए आप लोग बुक में, ए नंबर, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें टिक द करेक्ट आंसर है, आपको आंसर में टिक करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है. ये देखिए, साहिल वांटेड ए, फिर फिल है, ब्लैंक्स है, फिर उन्होंने बर्थडे, तो टॉय कार या बाइसाइकिल. साहिल चाहता था बाइसाइकिल, उन्होंने बर्थडे. साहिल अपनी बर्थडे में क्या चाहता था, बाइसाइकिल चाहता था. तो इस तरह से मैंने आपको यहां पर पहले क्या लिखाया है, पहले क्वेश्चन आंसर करा दिए है, जिससे मुझे जगह मिल जाए, इसलिए मैंने बी नंबर बाद में कराया है. लेकिन आप ए नंबर टिक द करेक्ट आंसर नोटबुक में पहले करेंगे, ये मैंने नीचे जरूर कराया, लेकिन आप नोटबुक में इसको पहले करेंगे, फिर ये बी वाला आंसर, बी और क्वेश्चन और सी क्वेश्चन करेंगे. तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. ये है बी आपका ए नंबर, ये ए. तो आपके आंसर मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, आंसर लिखा हुआ है, और ये मैंने पूरा नहीं इसमें बताया है. साहिल वांटेड ए बाइसाइकिल ऑन हिज बर्थडे. तो ये जो भी आंसर है, पहले का टिक द करेक्ट आंसर में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर भी राइट है, तो आप राइट भी लगाएंगे और यहाँ पर लिख के फिल भी करेंगे, दोनों काम करेंगे नोटबुक में. टू नंबर है, वसीक वांटेड टू गिव द बाइसाइकिल टू साहिल. वसीक वांटेड टू गिव द,
बसीक चाहता था क्या देना चाहता था? बाइसिकल। कैसी बाइसिकल थी? बिग थी या स्मॉल थी? स्मॉल बाइसिकल देना चाहता था। तो ये स्मॉल बाइसिकल इसमें राइट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? स्मॉल बाइसिकल। तो आप इसको टू नंबर को सेंटेंस को आप उतारेंगे पूरा, बसी वांटे टू गिव द, फिर लिखेंगे स्मॉल बाइसिकल टू साहिल, छोटी साइकिल वो साहिल को देना चाहता था। तो ये आप टिक करेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे भी। थ्री नंबर है, वसीक आस्क्ड साहिल टू टेक हिम टू, वसीक ने पूछा साहिल से टेक हिम टू हिज हाउस, उसने पूछा था ना जब उसको गिर गया था चोट लग गई थी कि क्या तुम मुझे अपने घर मेरे घर पहुंचा दोगे अपने घर। वसीक आस्क्ड, वसीक ने पूछा साहिल से टेक ले जा सकते हो उसके घर, तो उसने क्या कहा था? द हॉस्टल कहा था या हिज हाउस? हिज हाउस। तो इसका भी आपका बी नंबर राइट आंसर है। इस तरह से मैंने ये आपको आंसर लिख दिए है, तीनों के बी ही राइट आंसर है। और आप आंसर लिखने के बाद टिक भी लगाओगे और फिल भी करोगे और ये बुक और नोटबुक दोनों में ही ये करोगे आप। अब ये हो गया टिक का। सबसे पहले आप इस बुक में टिक ए नंबर टिक द करेक्ट आंसर है एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यही आप नंबर ए अपनी नोटबुक में पहले करोगे। मैंने नीचे लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, ये ब्लैकबोर्ड पे जगह ना होने की वजह से मैंने इस तरह से किया कि पहले बी कराया फिर आपको ए कराया। अब आपके हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नहीं लिखा है, सीधे इन्होंने क्वेश्चन ही दे दिया है। इन्होंने दिया है साहिल सा समथिंग फनी डन वन डे, फिर है व्हाट वाज इट, साहिल ने क्या कुछ देखा फनी मजेदार मजाक किया, व्हाट वाज इट क्या था वो, तो उसका आंसर ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन बी, साहिल सा समथिंग फनी वन डे, फिर ये फुल स्टॉप, व्हाट वाज इट ये क्या था। तो ये आंसर इसका साहिल सा ए बिग बॉय, साहिल ने देखा है बड़े लड़के को राइडिंग ए स्मॉल बाइसिकल, राइडिंग मैंने चलाना छोटी साइकिल चला रहा था, फिर फुल स्टॉप, इट वाज फनी ये उसके लिए फनी था, टू सी ए बिग बॉय ऑन ए स्मॉल बाइसिकल उसके ये देखना उसके लिए फनी था, एक बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा था तो यही फनी था, इसका क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर क्वेश्चन सी है, क्वेश्चन सी है व्हाट हैड हैपेंड टू वसीक, वसीक क्या कहता था, वसीक को हैपेंड मींस क्या हुआ था, वसीक को क्या हुआ, तो वसीक लाइंग ऑन द ग्राउंड, वसीक जो था वो मैदान में गिर गया था, सो ही वाज हर्ट इसलिए वह उसको चोट लग गई थी, सो ही वाज हर्ट वह चोटिल हो गया था या उसको चोट लग गई थी, वो गिर गया था इसलिए उसको चोट लग गई थी। अब ये बी और सी आपके आंसर हो गए हैं और ये ए नंबर है जिसमें टिक द करेक्ट आंसर है, टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल द ब्लैंक्स, उनके ये थ्री आंसर्स हैं, बी बाइसिकल, बी स्मॉल, बी हिज हाउस। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है और ये बुक में भी जगह है उसमें भी करना है, क्वेश्चन आंसर भी इसमें भी लिखने हैं आपको, बुक में भी लिखने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। ये देखिए यहाँ पर जगह दी हुई है और टिक द करेक्ट आंसर भी बुक और बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है। अब नीचे दिया गया है एक, इसको नेक्स्ट टर्म में कराऊंगी लेकिन आपको मैं बता रही हूँ, डी नंबर दिया है मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, एक बर्थडे दिया है एक बाइसिकल दिया है, इसको हमें सेंटेंस बनाना है, तो इसके सेंटेंस बना सकते हैं आप, कोशिश करना अपने आप बनाकर, नेक्स्ट टर्म में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। और इसके बाद नीचे एक दिया है व्हाट डू यू वांट टू फॉर बर्थडे, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर बर्थडे, गिफ्ट इन द बॉक्स गिवन बिलो,
ऑल्सो राइट इट्स नेम इन द गिविन स्पेस। ये देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर एक बॉक्स टाइप दिया है, यहाँ पर आप वो पिक्चर बनाएंगे जो आपको अपने बर्थडे में गिफ्ट चाहिए और फिर उस गिफ्ट का नाम भी यहाँ पर लिखना है, ये आपको यहाँ पर बनाना है। कलर भी करेंगे, कलर करेंगे पेंसिल वाला कलर जो आता है रंगीन, उससे करेंगे, स्केच पेन से या गीले वाटर कलर से नहीं करेंगे, नहीं तो आपकी बुक खराब हो जाएगी।